सिंगरौली में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने रिलायंस राखड़ डैम हादसे की न्यायिक जांच की मांग की है। गौरतलब है कि इस हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए थे। रिलायंस राखड़ बांध हादसे से नाराज स्थानीय नेताओं ने कलेक्टर द्वारा गठित मजिस्ट्रेट जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि बांध टूटने से अपूर्णीय क्षति हुई है, जिसमें एक परिवार सहित 6 लोगों की जान चली गई और सैकड़ों का माल और मवेशियों की भी जान चली गई। कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, जिसे देखते हुए जिला कलेक्टर ने मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश दिए हैं। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि न्यायिक जांच न्यायाधीश द्वारा की जाती है, मजिस्ट्रेट जांच से पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल सकता। औद्योगिक दुर्घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए दोषियों को सजा मिलना जरूरी है और यह न्यायिक जाँच से ही संभव हो सकता है। उधर कलेक्टर KVS चौधरी ने बताया कि रिलायंस कंपनी ने नोटिस का जवाब दिया है, जिसमें कहा गया है कि पोकलेन ऑपरेटर की गलती की वजह से ये घटना घटी है। होता है कि कलेक्टर जो है सक्षम नहीं है, कलेक्टर की कार्यशैली जो है वो प्रभावी नहीं है। इस घटना के पहले भी सिंगरौली जिले में 2 घटनाएं एस डैम टूटने की SR पावर प्लांट में भी और NTPC के पावर प्लांट में भी हो चुकी थी, फिर भी कलेक्टर ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। और ये चूँकि कलेक्टर के संज्ञान में था, कलेक्टर के हवाले से कहा गया कि जांच रिपोर्ट इस तरह की है कि एस डैम टूटने की संभावना कम है, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और चाहे वो कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी हो या छोटे से छोटा अधिकारी हो, न्यायिक जांच होना चाहिए, 3 सदस्यीय न्यायिक जांच होना चाहिए। ये मजिस्ट्रेशियल जांच हम लोग बिल्कुल नहीं मानने को तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से बोल रही है कि ये हम लोग मौत के ऊपर सौदा नहीं होने देंगे। रिलायंस जो हमारे गरीब जनता को भड़का बहला मसला के पैसों में तोड़ना चाहती है, हम लोग नहीं तोड़ने देंगे। कांग्रेस पहले दिन से ये मांग कर रही है कि उनको न्याय मिले और न्यायिक जांच हो और इस टाइप की घटना तुरंत रुकनी चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये जो रिलायंस का एस डैम टूटा हुआ है, इनका पूर्व से अधिकारियों को पता था कि एस डैम हमारे अभी कमज़ोर है और इसके लिए कुछ वहाँ के विस्थापित लोगों ने आंदोलन भी किया था, इन्हें आभास भी था। इसके बाद पूरी लापरवाही है अधिकारियों की। तो हम भी यही कहेंगे कि कलेक्टर महोदय अभी मजिस्ट्रेट जांच के लिए दिए हुए हैं, मजिस्ट्रेट जांच न करा करके इसको न्यायिक जांच कराए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।